आने वाले जो कुछ व्लॉग्स हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ दिन ना थोड़ा सा ब्रेक लें यूट्यूब से, मतलब हम कुछ शूट करना नहीं चाह रहे, ऐसा है कि हम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा मतलब हमारा कई दिनों से ऐसा था कि यार चलो ठीक है, बहुत कुछ हुआ, सारी चीजें हुई, अच्छा हमारे यूट्यूब का काम भी है, सारी चीजें हैं, देखो काम धंधा भी हमको करना ही पड़ता है क्योंकि ये तो देखो जिंदगी है, करनी पड़ती है सारी चीजें, तो पर हमने ये डिसाइड किया कि कुछ दिन हम थोड़ा सा यूट्यूब से हम ब्रेक लेंगे, ऑफिस से भी ब्रेक लेंगे और कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ में बहुत सारी चीजें हम करेंगे इन कुछ दिनों पर, मैं वो सब शूट करके आपको नहीं वो नहीं दिखाएंगे ठीक है, पर डोंट वरी, आप लोग ये मत सोचो कि व्लॉग्स नहीं आएंगे, व्लॉग्स आएंगे हाँ, बट जो अभी रेगुलर आ रहे थे ना वो हम अपनी लाइफ नहीं दिखाएंगे, मैं आपको अब जो आज के बाद व्लॉग्स आएंगे वो आएंगे, मेरा जो भाई है रवि उसकी सगाई से पहले मैंने कुछ व्लॉग शूट किए थे, जैसे उसका जब रोका हुआ था ठीक है, जब हम बिंदी को रोकने गए थे वो वाला व्लॉग, कैसे हमने सगाई की तैयारी की, तो वो सब देखो मैंने, हर बहन का होता है कि मेरे भाई की शादी है सगाई, तो हर कुछ मेरा तो काम है यूट्यूब का, तो मैंने सब चीजें शूट की थी मेमोरीज कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर देखो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, अब ये चीज हो गई तो फिर मैं ऐसे में आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने वो नहीं किया, और सगाई वाला तो आप देख चुके थे, तो वो वाले व्लॉग्स हैं जो रवि की एंगेजमेंट से पहले की, वो मैं अब आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि पहले से शूट किए हुए रखे हैं और एडिट भी कर रखे थे मैंने पहले से ही, तो मैं वो आपको डाल दूंगी ताकि आप लोग देख सको उन मेमोरीज को, क्योंकि आपके साथ दुख शेयर किया है तो देखो खुशी भी हमेशा आप लोगों के साथ हमने शेयर की है, बाकी जो अभी रिसेंट के डेज रहेंगे वो हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, हम आपको एक 7-8 दिन बाद फिर हम व्लॉग शुरू करेंगे वापस डेली डालना। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज का दिन ना बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है, और ये आप अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्यों स्पेशल है, और हमें कहीं जाना है, वो सब आप देखोगे आपको टाइटल से पता चल गया होगा, और अभी जस्ट मैं बच्चों को सुला के आई हूँ ऊपर, और ना रिद्धि के ना मतलब एकदम से पता नहीं अचानक से कैसे पेट दर्द हो गया, बच्चे क्या वो खाने पीने का किसी चीज़ का हो जाता है, बट थैंकफुली प्रोडक्ट की वजह से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ है, और वो प्रोडक्ट है ये लव लैब ब्रांड का नेचुरल टमी रोल ऑन, इसे लगाते ना रिद्धि को बहुत मतलब स्टार्टिंग से ऐसा है, और ये टमी रोल ऑन आई थिंक मस्ट हैव होना चाहिए अगर आप न्यू मॉम हो या मॉम बनने वाले, तो बेबी के लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें है हींग जिंजर एंड सोफ ऑयल, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के साथ आता है जो कि बेबी को रिलीफ देता है कॉलिक और टमी एक्स में जो कि इंडाइजेशन की वजह से होता है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल मिनरल ऑयल्स, टॉक्सिन्स, एल्कोहल एंड पैराबेन नहीं है, सो ये 100% सेफ है बेबीज के लिए, तो ये सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेबी को गैस रिलीफ में हेल्प करते हैं और एक हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करते हैं, आपको इस तरीके से बेबी के नेवल यानी कि नाभि के चारों तरफ इसे सर्कुलर मोशन में 2 से 3 बार लगाना है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड ट्रेवल फ्रेंडली है जिसे आप इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा हो और अपने बेबी के लिए परचेस करना तो आपको इजीली Amazon और lovelab.com पे मिल जाएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जरूर चेक कीजिएगा। आ जाएं पापा, रवि पे नहीं हो, रिद्धि को मामा सेवा कर रहा है, जिसकी खुद की है वही नहीं जा रहा, ये तो रिद्धि साथ नाइंसाफी हो गई, मेरे पापा मेरे मम्मी काफी टाइम बाद मेरे व्लॉग में आए, हाय करो, हेलो करो, हेलो करो, हम लोग जा रहे हैं सब लोग सज धज के, मम्मी है ना कर दो, तो हम लोग जा रहे हैं आज एक बहुत ही अच्छे काम के लिए जिसके लिए हमने बहुत टाइम से वेट किया था, और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, रवि नहीं आया, और हम कहाँ जा रहे हैं अभी आपको बता देंगे, बहुत से लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, बट मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगी आप लोग को हम किस काम के लिए जा रहे हैं, तो चलो पहले चलते हैं, और रुद्र को नहीं लेके आए क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया था, फिर वो वैसे भी गाड़ी में सो जाता, और रिद्धि आई है आगे पापा के पास बैठी अपने नानोसा के पास, हम लोग हैं, ये हैं, मैं हूँ, कोमल, मम्मी, पापा, तो हम 5 लोग जा रहे हैं, और परी वैसा भी है, परी हेलो कह दो, तो चलो पीछे पड़ जाओगे आप, नहीं गिरे मम हो जाएंगे मम, और सब जगह देखो भीड़ है, ये हम आए थे जब तो बिल्कुल भीड़ नहीं, हाँ सब लोग आज वो धर्म पुण्य कर रहे हैं ना, प्रसाद बांटने, कोमल के लिए आई है कॉफी, तो भी शुगर पेशेंट होने वाली करता है, इतना लग रहा है नहीं इसके हो जाया कह रही, वो लाइट वेट वाला बना रहे हो, अच्छा उधर
साइड हो जाओ। भाई सर ये क्यों खर्चा किया आपने बताओ? ये खर्चा नहीं है, आपका हक बनता है, ये खर्चा नहीं है। ये 0.5 पे कैसे जाता है, ये तेरा जा ही नहीं रहा। अरे नहीं 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 हुकुम नहीं, ऐसे नहीं करना। नहीं 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 नहीं, बराबर हो आप तो दोनों। हाँ बैठे रहो, उस पे बैठ जाएगी दीदी। लगा दो मम्मी, बस टीकी लगा थोड़ा सा। जे जे हो रही है ना बेटा, फिर चीजी मिलेगी खाने को। वाओ परिका रिद्धि आ गई, सुगर नहीं आ रही। अरे बस बच्चों के लिए क्यों खर्चा किया आपने, ऐसे सही है बच्चों का। वाओ थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। देखो रित्सा की जय जय हो रही है, देखो देखो वहाँ खड़े होके देखो कैसे रित्सा की जय जय हो रही है। जाओ चिप्स लेके आओ आप भी, देखो ये बाईसा चिप्स खा रहे हैं, जाओ बोलो मेरे को भी चिप्स दे दो प्लीज। हेलो रिद्धु, छोड़ दो छोड़ दो, इनमें ना दोनों बड़ों छोटों का देख लेना, पता नहीं मेरे को भूल गई मैं। ठीक कोई बात नहीं, दो खाओ दो खा लो, चलो दो खा, ऐसे दो दो खा, दो खा दो खा। बिन ने दिया दिया, बिन ने दिया। मम्मी आप मत खाना, मम्मी तो खुशी में कुछ नहीं होता, एक गोली खा लेंगे। भाई साहब भी लो, हुकुम
वैसे हमारे दो घास खिलाते हैं, एक दो चार खिलाओ नहीं तो बोलते हैं आप चार खिलाते तो खिलाते हैं, ससुराल में बोल रहे दो ही खिलाते हैं मन मिलने चाहिए तो पता नहीं बस बस देखो जेल में तो बना दिया है बस बस हमारे दो घास खिलाते हैं खुशी तो होनी चाहिए, इससे अच्छी चीज और क्या है, इससे खुशी का मौका दो एक बार ही खिलाया ना मैंने आपको, दुश्मन बन जाएंगे अपन दोनों।